वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का जबरदस्त वीडियो के साथ में। जी हाँ, आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी डिफेंस के एग्जाम के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, तो जिन बच्चों को हमारे बैचेस ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में किसी भी बैच को ज्वाइन करने का बताया गया है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। जैसे नाइक लाइव बैच आपको यहाँ पर हम इस वीडियो में एनरोल करके बताएंगे और उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको ये बैच ज्वाइन करने हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद सोल्जर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप MyRise India एप्लीकेशन के ऊपर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे एनरोल कर सकते हैं, कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी बैच को। सबसे पहले आपको आना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है ये आपका गूगल प्ले स्टोर। यहाँ ऊपर आपको सर्च करना है MyRise India या MyRise India ऐप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन नजर आएगा। सबसे ऊपर आप जो है इसके ऊपर यहाँ पर सबसे पहले आपको इंस्टॉल का बटन दिखेगा, आप इंस्टॉल करिए इसको सबसे पहले। और इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको ओपन पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप जो है MyRise India एप्लीकेशन के अंदर एंटर हो जाने वाले हैं। अब सबसे पहले ये यूजर इंटरफेस आएगा आपके सामने। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है MyRise India पे तो आप जो है यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के रजिस्टर मतलब लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन पे आए हैं, तो सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ डिटेल्स आएंगी, मैं कुछ डिटेल्स भर रहा हूं रेंडमली। आप जो है इसके अंदर आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, जैसे मैं कोई भी नाम ले रहा हूँ, जैसे राम सरनेम, जैसे कि मैं मान लेता हूँ शर्मा मान लेता हूँ मैं, इसके अलावा फादर्स नेम जैसे मैं मान लेता हूँ कुछ भी, जैसे कि मनीष मान लेते हैं हम, और डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप जो है यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1999 सर्च कर सकते हैं, लगा सकते हैं जैसे, या फिर कोई भी मंथ हम लगा सकते हैं। मंथ पे आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, स्वाइप भी कर सकते हैं आप इस तरह से। तो मंथ सेलेक्ट कर लिया, डेट सेलेक्ट कर लिया, रेंडम डेट और मंथ सेलेक्ट किए हमने। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालने वाले हैं जिससे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक फ़ोन नंबर यहाँ डाल देता हूँ, आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ डालना है जिससे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, इसके बाद आप यहाँ अपनी ईमेल एड्रेस डालने वाले हैं, जो भी आपका अपना ईमेल एड्रेस होने वाला है वो यहाँ हम डालने वाले हैं, जैसे मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ आपको खुद के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना है, कोई भी पासवर्ड जो आप क्रिएट करना चाहते हैं खुद के लिए, जैसे मैं ram@123 क्रिएट कर देता हूँ अभी के लिए, लेकिन आपका जो भी अपना पासवर्ड है जो आप क्रिएट करना चाहते हो पासवर्ड ये डालेंगे। सेलेक्ट क्लासेस मतलब आप 11th में हो, 12th में हो, या 12th पास आउट हो, तो अगर आप 12th पास आउट जैसे एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे 12th पास आउट, या फाउंडेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 11th 12th सेलेक्ट करेंगे आप। इसके बाद जो है स्टेट के अंदर आप, जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं राजस्थान एक बार क्रिएट जो है वो लगा देता हूँ, बाकी आपको जो है वो अपना स्टेट जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चलिए, इसके बाद आप यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद में आपके आप जो है वो लॉगिन हो चुके हैं एप्लीकेशन के ऊपर, और ये पूरा यूजर इंटरफेस आपके सामने जैसे सारे बैचेस यहाँ हैं। टॉप कोर्सेज में जैसे नायक एयरफोर्स का भी बैच लाइव है, एयरफोर्स का नोट्स बैच, एयरफोर्स का लाइव बैच, एयरफोर्स का नोट्स बैच, नायक जो है आर्मी का बैच है ये, यहाँ आपको ऊपर दिखेगा इंडियन आर्मी नोट्स बैच है ये, फेज टू का बैच है ये, जो भी फेज टू की प्रिपरेशन अभी बच्चे करना चाह रहे हैं जिनको पेपर निकल चुका है वो फेज टू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे आने वाले स्पोकन इंग्लिश का बैच है ये 499 के लिए, एनडीए के कुछ बैचेज अभी चले हुए हैं, अगर आपके नाम यहाँ देख लीजिए, ये पूरे के पूरे कोर्सेज हैं, पहले एयरफोर्स के हैं, फिर आर्मी के हैं, फिर जो है एनडीए के हैं, यहाँ पर मंजिल बैचेज भी हैं, ये आपके एसएससी के बैचेस हैं। आपको किसी भी बैच में एनरोल करना है, जस्ट सपोज कि मैं एयरफोर्स के बैच में मुझे एनरोल करना है, किसी भी बैच पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसे इंटरफेस खुलेगा, किसी भी बैच में जिसमें भी आपको एनरोल करना है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपसे एक जो है नोटिफिकेशन आएगा, यू वॉन्ट टू बाय दिस बैच, आप यस क्लिक करेंगे। यस क्लिक करने के बाद में अगर आपने पहले यूजर आप पहले से हैं, तो अगर आपने क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में अच्छा परफॉर्म किया होगा तो यहाँ कुछ वॉलेट बैलेंस रहा होगा आपका, वो आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में जो है आपको एक ऐसा पेमेंट इंटरफेस खुलेगा, और काफ़ी बच्चों को इश्यू है कि सर पेमेंट नहीं हो पाती हमसे, पेमेंट नहीं कर पाते हम, बहुत सारे ऑप्शन है, सारे जो भी पेमेंट ऑप्शन है वो सारे अवेलेबल हैं, एक एक करके मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ आपके साथ में। नॉर्मली बच्चे
यूपीआई सेलेक्ट करते हैं तो आप यहां से फोन पे या तो गूगल पे से यूपीआई गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जैसे कार्ड्स एंड यूपीआई मोड, मतलब आपके पास में यूपीआई आईडी है या फोन पे है या पेटीएम है या गूगल पे है, नेट बैंकिंग है, किसी भी जैसे नेट बैंकिंग पे क्लिक किया, फिर नेट बैंकिंग में अगर आपको डिटेल्स आगे पता है जैसे एचडीएफसी में अकाउंट है तो एचडीएफसी पे क्लिक करो, फिर जो है पे नाउ पे क्लिक करके आप आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे नेट बैंकिंग नहीं सर मैं तो वॉलेट से करूंगा, पेटीएम या फोन पे वॉलेट से करूंगा, तो वॉलेट पे जाइए, यहां पर अपना वॉलेट सर्च सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद में आप अपनी डिटेल्स आगे डालिए, एक पेमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। जैसे मैं अब नॉर्मली बच्चा क्या करता है यूपीआई आईडी से पेमेंट करता है जैसे फोन पे या पेटीएम या गूगल पे, तो मैं गूगल पे एक बार फोन पे ओपन कर लेता हूं। फोन पे पे मेरे पास में ये इंटरफेस आ रहा है। अब यहां पे सबसे पहले मांग रहा है यू विल रिसीव ए पेमेंट रिक्वेस्ट ऑन योर यूपीआई आईडी, मतलब आप अपनी यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं, अपने पिताजी अपने अंकल या किसी और से आप एनरोल करवा रहे हैं अगर तो उनकी जो है यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं। तो यहां पे आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपसे मांग रहा है कि यूपीआई आईडी बताओ। अच्छा यूपीआई आईडी क्या होती है, नॉर्मली जो फोन नंबर होता है वही यूपीआई आईडी होती है। तो मैं यहां पर एक यूपीआई आईडी डालता हूं और आपको मैं पूरा पेमेंट करके दिखाता हूं कि दूसरे फोन में कैसे नोटिफिकेशन जाएगा और कैसे आपको पेमेंट प्रोसीड करना है। सबसे पहले जैसे मैं यहां क्लिक करूंगा तो एक यूपीआई आईडी मैं डाल रहा हूं जैसे कि 97 ओके ओके एंड यहां पर जो है अगर आप अपने फोन नंबर ही आपकी यूपीआई आईडी होती है, बेसिकली अगर अलग यूपीआई आईडी है तो वो डालिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी यूपीआई डाल सकते हैं किसी रिलेटिव की या जिससे भी आप पेमेंट करवाना चाहते हैं, खुद की डालें तो खुद की, किसी और की डालेंगे, पेमेंट किसी भी मेथड से हो सकता है, एनरोल उसी नंबर से होगा जो आपने लॉग इन के टाइम पे यूज किए थे। यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ बोल रहा है प्लीज ओपन फोन पे एप्लीकेशन, अगर आप पेटीएम से कर रहे होते तो उस तरह से आ रहा होता, अगर आप गूगल पे से कर रहे हो तो उस तरह से आ रहा होता। यहाँ बोल रहा है प्लीज ओपन फोन पे ऐप एंड एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन। अब जैसे ही मैंने अपने दूसरे फोन का फोन पे एप्लीकेशन खोला तो आपको या तो सीधा ऐसा पॉपअप दिखेगा, नहीं अगर दिखता है तो आप जो है यहां पर ऊपर की तरफ एक बार इसको लेटर पे क्लिक कर रहा हूं मैं और गॉट इट पे क्लिक कर रहा हूं। मैं बताता हूं कि अगर नहीं दिखे तो आपको क्या करना है, आपको यहां ऊपर नोटिफिकेशन बार में जाना है और यहां देखो ऊपर ही ऊपर आपको वो नोटिफिकेशन दिख जाएगा, या तो आपको पॉपअप सीधा ही दिख जाएगा, नहीं दिखे तो इस तरह से आपको करना है, पे पे आपको क्लिक करना है, पे पे आपको क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट प्रोसीड कर देनी है। और पेमेंट जब जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपका बैच एनरोल कैसे होगा मैं आपको भी दिखाऊंगा। जैसे मैं यहां से पेमेंट प्रोसीड कर रहा हूं एंड जैसे ही यहां से पेमेंट क्लियर होगी आपकी, जैसे ही पेमेंट क्लियर होगी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के लिए तो यहां आपको दिखेगा कि माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन के लिए, वो दूसरे फोन में मैंने एक किया था, अब यहां आपको दिखेगा लाइव बैच, जो नायक लाइव बैच है जहां यहां पहले बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा था। अगर कभी कभार सिर्फ और सिर्फ ये मान लीजिए पॉइंट्स में कुछ चांसेस होते हैं कि बैच एनरोल में इशू आ जाता है तो आप एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से ओपन कर सकते हैं। यहां पर बोल रहा है कि प्लीज वेट द पेमेंट इज वेरीफाइंग, तो आपको एक मिनट के लिए यहां वेट करना है एंड इसके बाद यहां से आपका जो लाइव बैच है वो एनरोल हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके तो देखिए ये स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन आ चुका है। अब ये आप यहां से स्टार्ट अब जो है आपने कौन से बैच एनरोल किया, जैसे मैं माई कोर्स पे आता हूं तो यहां देखिएगा नायक बैच के साथ मेरे को सिलेक्शन बैच फ्री मिल गया है। ये इसलिए है क्योंकि फिलहाल हम नेवी वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम नायक बैच एनरोल करने पे सिलेक्शन बैच आपका फ्री में एनरोलमेंट हो रहा है तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं साथ में, मतलब ये अपने आप ही एनरोलमेंट हो जाएगा। तो आप सिलेक्शन बैच ना ज्वाइन करके अगर नायक बैच ज्वाइन करेंगे तो दोनों बैचे साथ आ जाएंगे। अब देखते हैं इसके अलावा जैसे नोट्स बैच है, इसके अलावा जैसे मुझे लाइव बैच की रिक्वायरमेंट है और नोट्स बैच की रिक्वायरमेंट है तो मैं नोट्स पे आऊंगा और ये देखिए नायक एयरफोर्स नायक लाइव बैच एयरफोर्स नायक नोट्स बैच, तो नोट्स बैच पे आके भी मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करूंगा और मेरा नायक नोट्स बैच भी जो है वो एनरोल हो जाएगा। अब यहां देखिए माई कोर्सेज पे जब आप आएंगे तो माई कोर्सेज में आपको बैच दिख रहा है साफ साफ, तो आप नायक लाइव बैच में जैसे आपने क्लिक किया अभी जैसे इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको इस तरह से सारी क्लासेस एक जगह मिलेंगी, करंट अफेयर इंग्लिश जनरल मैथ्स जीके जीएस फिजिक्स रीजनिंग और टेक्निकल मैथ। तो यहां पर जैसे कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को खोलता हूं, फिजिक्स खोलते हैं, जैसे अपन फिजिक्स में आपको आरएसआर दिखेंगे, जैसे आरएसआर पे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप जब अंदर एंटर करेंगे तो जैसे एयरफोर्स या एनडीए, तो जैसे अपने एयरफोर्स का बैच एनरोल किया आप एनडीए में जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप एयरफोर्स का बैच एनरोल किया है तो एयरफोर्स के बैच में आप आएंगे। अभी क्योंकि यहां क्लास स्टार्ट नहीं हुई तो ये आपको दिखेगा कि नो लाइव क्लास येट, क्लासेस जो है वो 28 तारीख से शुरू हो रही है, तो आप रिकॉर्डेड में आएंगे और यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस या प्रैक्टिस क्लासेस या मिक्स प्रैक्टिस की क्लासेस, और यहां पर सारा दिख जाएगा क्योंकि इसमें बैच में भी क्लासेस नहीं हुई है, 28 तारीख से शुरू होने वाली है। तो मैं एक बार आपको सेम चीज सिलेक्शन बैच में खोल के दिखाता हूं क्योंकि सिलेक्शन बैच अपना क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हो चुका है। यहां आप जाके देखेंगे तो हर एक सेगमेंट के अंदर आपको यहां क्लास दिखेगी। मिक्स प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको सारी मिक्स प्रैक्टिस की क्लासेस, लाइव वीडियोस, उसी क्लास की नोट्स, उसी क्लास की पीडीएफ, प्रैक्टिस क्लास में जाओगे तो 11th की प्रैक्टिस क्लास,
सारी की सारी 12th की प्रैक्टिस क्लास, सारी की सारी टॉपिक वाइज किसी भी टॉपिक में जाओगे तो वहाँ उसके सारे लेक्चर्स दिखेंगे, उसका लाइव क्लासेस और नोट्स सारी चीज़ें दिखने वाली हैं आपको यहाँ पे। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको अपने दोस्तों को सजेस्ट करना है तो ज़रूर से सजेस्ट करिए, क्योंकि माइराइजिंग की एप्लीकेशन पे लगभग सारी के सारे जो हैं बैचेस चले हुए हैं, एयरफोर्स, आर्मी, फेज टू, स्पोकन, NDA एंड SSC सभी सेगमेंट्स में। तो ज़रूर से जो है आप लोग इसके ऊपर वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप जो है यहाँ पर हमारे हेल्प डेस्क के नंबर भी दिखते हैं, यहाँ पर आप जो है हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चैट विद अस का ऑप्शन भी है, यहाँ पर आप चैट विद अस के ऊपर ऑप्शन पे आके आप जो है हमसे चैट कर सकते हैं। से स्टार्ट कन्वर्सेशन करूंगा तो चैट एनेबल हो जाएगी, या फिर जो है आप जो है कॉन्टेक्ट अस के ऊपर जाकर के आपको यहां पर हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे कॉलिंग के लिए आप ऊपर वाले दो नंबर्स को प्रेफर कर सकते हैं। और भाई आज के लिए इतना ही, उम्मीद है मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो चलिए अभी जो है अपने सपनों को उड़ान देते हैं, पंख लगाते हैं अपने सपनों के और उड़ते हैं खुले आसमान में। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में एक बेहतरीन से इन्फॉर्मेशन के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।